आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हिंडाल्को की। मेटल स्पेस में हिंडाल्को ने सितंबर तिमाही का जो मुनाफा दर्ज किया है वो 1785 करोड़ से बढ़कर 3420 करोड़ रहा है। आय और कामकाजी मुनाफे की बात की जाए यहां पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी ही नजर आई है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत की जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने कंपनी के एमडी सतीश पाई से। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत बधाई। अचीविंग हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड पैट एंड एबिटा, कैसे डिफाइन करेंगे इस क्वार्टर को? ये क्वार्टर हमारे लिए शायद एक लैंडमार्क क्वार्टर बन जाएगा। अगले 10-15 साल में इतना बढ़िया क्वार्टर हमें नहीं हुआ है, पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि एलएमई तो बढ़िया थी, पर ये मॉनसून के क्वार्टर में हमारे प्लांट्स के जो कर्मचारी है उन्होंने काफी एफिशिएंट ऑपरेशंस रन किया। हमारे ऑपरेशन स्टडी थे, आउटपुट स्टडी था, लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट वालों ने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए ये रिजल्ट्स और मार्जिन इतना बढ़िया है। ओके श्योर एब्सोल्युटली। टॉकिंग अबाउट सर मेटल एंड अदर कमोडिटी प्राइसेस जो कि करेक्ट हुए ग्लोबली, आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को? कोई रूम है सर यहाँ पर और करेक्शन के लिए, या आपको लगता है अपवर्ड ट्रेंड विल रिमेन? मैं I think it will remain steady, क्योंकि अगर आप देखें एल्यूमिनियम prices 3000 तक चले गए थे और अभी 2675 पे स्टेडी है। मुझे लगता है कि ये एलएमई का जो रेंज है 2600 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड काफी स्ट्रांग है और अभी वर्ल्ड में एल्यूमिनियम का डेफिसिट चल रहा है और ये डेफिसिट एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगले 2-3 साल रहेगा, इसलिए हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि जो एलएमई के लेवल्स है वो काफी फर्म रहेंगे। ओके एलएमई के लेवल्स फर्म रहेंगे तो स्टेडी रहेंगे प्राइसेस। जहां तक बात की डिमांड सर, क्लियरली ऑटो सेगमेंट में हमने देखा चिप शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ, आपको कब तक लगता है थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल? और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कितना वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका दिखा इन टोटल सेल्स? Because obviously margins improve वहाँ होते हैं कंपनी के compared to LME products. So do you see the contribution rising of this going ahead? तो ऑटो सेक्टर पर अगर आप देखें कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज तो बोला जा रहा है कि एटलीस्ट और 2-3 क्वार्टर के लिए रहेगा, पर गुड न्यूज ये है कि अगर हम लोग Q2 से Q1 कंपेयर करें तो Q2 was slightly better than Q1. तो ऑटो कंपनीज एंड द इंडस्ट्री अभी ये चिप शॉर्टेज को मैनेज करने में दे हैव गॉट मच बेटर। तो हमें जो लग रहा है कि ये शॉर्टेज तो रहेगा बट कंपनीज आर स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू मैनेज इट, सो ये दैट इज द वन पॉइंट। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, देखिए नोवेलिस का भी एबिटडा पर टन $570 पर टन है और उनका अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है और डिमांड काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग इंडिया में देखें डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन वाज अप 36% कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो ये जितने भी हम लोग डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी सेल कर रहे हैं उनका एबिटडा पर टन इज एडिशनल ऑन टॉप ऑफ द एलएमई, तो इसलिए यू आर सीइंग इन हिंडाल्को बेटर मार्जिन कंपेयर टू प्योर प्ले एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स।